बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान केंद्र के नाम से संचालित हो रहे अस्पताल का विकास करते हुए इसे न केवल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बल्कि मध्य भारत का एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया था। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इसे मिहान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद डॉ बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल बचाव कृति समिति द्वारा अनिश्चितकालीन श्रृंखला आंदोलन किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दर्शकों, उत्तर नागपुर कामठी रोड पर स्थित डॉ बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान केंद्र का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील होने वाला था, जिसके बाद की सरकार का सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही इसको मिहान में स्थानांतरित किया जाने वाला है, जिसका विरोध की डॉ बाबासाहेब अंबेडकर रुग्णालय कृति समिति द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और यहाँ कुछ राजकीय नेता भी मौजूद है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये आंदोलन बेमुदत श्रृंखला आंदोलन यहाँ चल रहा है, बेमुदत आंदोलन है जब तक डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के इस उत्तर नागपुर स्थित रुग्णालय को बचाया नहीं जाता, यहाँ से स्थानांतरित करने का जो निर्णय सरकार, जब तक इस निर्णय पर ठाम है तब तक बेमुदत जन आंदोलन चलेगा। इस निर्णय को जब तक पीछे नहीं लिया जाता ये आंदोलन चलेगा। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी नेता नागोराव जयकर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि पूरे इस आंदोलन की पार्श्वभूमि क्या है और किस बात का ये विरोध हो रहा है। डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर रुग्णालय कृति बचाव समिति है, इस रुग्णालय को राज्य शासन, बीजेपी का शासन ये मिहान में ले जाना चाहते हैं। और इस उत्तर नागपुर की जनता, सर्वपक्षीय लोग यहाँ आंदोलन को बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ का हॉस्पिटल मिहान में जाए, क्योंकि इस एरिया में दलित, शोषित, पीड़ित लोग रहते हैं और यहाँ से मिहान में हॉस्पिटल ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ की जनता मिहान में जाना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ से मिहान में जाने के लिए एक आदमी को 500 रुपये लगता है जाने आने के लिए, और पहले ही मरीज रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं कि मिहान में अपने पेशेंट को ले जाना उनको पुराएगा नहीं यहाँ की जनता को। इसलिए यहाँ की जनता सब एक होकर, सर्वपक्षीय, सर्व संस्थाएँ, सर्वधार्मिक संस्थाएँ सब एक होकर ये महाराष्ट्र शासन के विरोध में जन आंदोलन कर रही है। और इस जन आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र शाखा और जिला शाखा इस आंदोलन को समर्थन देती है, और हम भी इस आंदोलन में सहभागी हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि उत्तर नागपुर का विकास हो, उत्तर नागपुर की जनता को या ये हॉस्पिटल का फ़ायदा हो। ये हॉस्पिटल रहने से यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे और ज़्यादा दूर जाने की इनको, यहाँ से मेडिकल कॉलेज भी इनको दूर होता है, मेयो हॉस्पिटल भी दूर होता है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे कार्यान्वित है, कार्य कर रहा है, चालू है। इस चालू हॉस्पिटल को ले जाना कहाँ की उचित बात है, और इसलिए सब ये जन आंदोलन यहाँ चालू हो गया है। और हम भी चाहते हैं और यहाँ की जनता भी चाहती है कि ये हॉस्पिटल यही रहे और यही की जनता का विकास करे। साथ ही साथ कुछ आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं इस आंदोलन में मौजूद है आंदोलनकारी, तो हम इनसे भी सवाल पूछते हैं कि आखिर किस बात को लेकर ये जो है जन आक्रोश यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से आपके विधायक हैं नितिन राउत, की क्या भूमिका है इसमें? आपके उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत है और कांग्रेस पार्टी के हैं, और यहाँ बोला गया है कि सर्वपक्षीय आंदोलन यहाँ किया जा रहा है, कांग्रेस की क्या भूमिका है इसमें और क्या नितिन राउत की भूमिका? मेरे हिसाब से ये जो बेमुद्दत आंदोलन शुरू है, ये विविध सभी पक्ष, जितने पक्ष है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और जितने भी राजनीतिक पक्ष है, इन सभी को मिलकर यह आंदोलन की शुरुआत हो गई है। हमने सुना है कि इस हॉस्पिटल के लिए 1165 करोड़ सैंक्शन हुए और 1165 करोड़ का हॉस्पिटल 15 मंजिला और 625 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनने वाला था, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की मनोवादी सरकार है, उन लोगों ने षड्यंत्र करके ये हॉस्पिटल मिहान में पश्चिम नागपुर की ओर लेके जाने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे 20-20 साल जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ के लोकल आमदार अभी तक ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यह हॉस्पिटल अभी कुछ दिन के बाद उन लोगों ने जियान निकाला और यह हॉस्पिटल मियान की तरफ लेके जाने का प्रस्ताव रखा। इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के एमएलए की है, उन्होंने बेखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सर्वदलीय पक्ष के तरफ से बेमुदत आंदोलन होने के वजह से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के सचिव होने के नाते मैं और मेरा पक्ष इस आंदोलन में सम्मिलित है और कोई भी हालत में इस हॉस्पिटल को हम उत्तर नागपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। हम जरूरत पड़ने पर रास्ते पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन उनको बता देंगे कि हॉस्पिटल डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर अनुसंधान केंद्र यही रहे। बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन हमारा है। साथ ही साथ इस वक्त हम पूरे आंदोलन का जायजा ले रहे हैं। दर्शकों, तीसरा सवाल ये उपस्थित होता है कि किस प्रकार से जो है पिछली सरकार ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था और अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही इसे स्थानांतरित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सियासी भूमिका के बारे में, और जैसा कि यहाँ के पूरी सियासी भूमिका और राज्य की सियासी भूमिका के बारे में? पिछली सरकार द्वारा यहाँ पर 1165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। 18 मंजिला इमारत और ये जो अभी दिखाई दे रहा है, इसके पहले तो मात्र ओपीडी रहा करती थी, लेकिन आईपीडी और साथ ही साथ एक तरीके से एम्स का जैसा हॉस्पिटल है उसके जैसी फैसिलिटी जहाँ होने वाली थी। ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, इस प्रोजेक्टर को देखने के बाद किसी भी आम नागरिक को उत्तर नागपुर के लगता है कि इस तरीके का हॉस्पिटल मेरे इलाके से किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सियासत यहाँ ऐसी चल रही है। पिछली बार जिनकी सरकारें थी, उस सरकार का दावा है कि उन्होंने इतना बड़ा काम इस हॉस्पिटल के लिए किया, इतना फंड उन्होंने सैंक्शन करा कर लाया। चलो, अगर ये काम उन्होंने सैंक्शन करा कर लाया, हम भी इस बात के लिए उनको समर्थन करेंगे कि उत्तर नागपुर में एक अच्छा काम आया। अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिंदे फडणवीस पवार की सरकार है, ये सरकार अचानक इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का हॉस्पिटल जो कि उत्तर नागपुर वालों के लिए, क्या जरूरत है आपको एम्स में लेकर जाने की? आप एम्स, वहाँ मिहान में ऑलरेडी एम्स हॉस्पिटल है, मेडिकल हमारे को दूर पड़ता है, मेवा हमारे लिए दूर है। इस हालत में जहाँ उत्तर नागपुर में दलित, गरीब, शोषित, वंचित, इवन यहाँ पर स्लम का सबसे बड़ा एरिया है, ये स्लम का सबसे बड़ा एरिया रहने वाला उत्तर नागपुर, जिसको कि आज तक पिछड़ा एरिया माना गया है, इस उत्तर नागपुर के बाबा साहब के नाम का एकमात्र हॉस्पिटल यहाँ पर है और आप इस हॉस्पिटल को मिहान ले जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये मनुवादी सरकार जो है, ये बाबा साहब के नाम से भी घृणा करती है, उनके नाम से कोई भी चीज़ यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं कराना चाहती है। दोनों की सियासत जो भी चली होगी, लेकिन आज की हालत में हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी की जनता, हमारे नेता, हम लोगों ने इस अच्छे उपक्रम को देखकर कि बाबा साहब के नाम का हॉस्पिटल जो जनता के लिए रहेगा, हमारी उत्तर नागपुर की जनता का इसमें से फायदा होगा, इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम सर्वदलीय संगठन में अपने बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन दे रहे और आज हम लोगों का यहाँ पर धरना बैठा हुआ है। आज का दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए था, हम अपना कर्तव्य यहाँ पर निभा रहे हैं। आगामी अधिवेशन आ रहा है, अधिवेशन में किस प्रकार से मुद्दा उठाया जाएगा या किस प्रकार की आपकी भूमिका क्या रहेगी? हम लोग ये चाहते हैं कि जो आगामी यहाँ पर अभी अधिवेशन आ रहा है, सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर आएगी, तो हमारा ये कहना है कि जितने भी बाबा साहब को मानने वाले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आमदार क्यों ना हो, हमारा ये कहना है कि उन आमदारों से कि उत्तर नागपुर के इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए सारे आमदारों ने सदन में आवाज उठानी चाहिए। ये यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति बनी है, इस कृति समिति की ऐसी डिमांड है, मांग है कि हमारी जनता, हम इस हॉस्पिटल के पास में धरना निदर्शन देकर हम यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे और वो लोगों ने सदन में लड़ाई लड़कर इस हॉस्पिटल को बचाना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा डॉ बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल बचाव कृति समिति द्वारा जो है स्थानांतरण का निरंतर विरोध किया जा रहा है और जैसे कि हमने बात की सभी आंदोलकों से, ये जो है ये रणसंग्राम ऐसा ही जारी रहने वाला है। तो इस वक्त कुछ आंदोलनकारी और हमारे साथ मौजूद है बचाव कृति समिति, साथ ही साथ बीएसपी के भी कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप, मिहान जाने वाला है इतना बड़ा अस्पताल, उत्तर नागपुर की काफी बड़ी त्रुटि होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति का सदस्य भी हूँ और ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बचाव कृति समिति बनी है, यह समिति सभी पक्ष को लेकर बनी हुई है। सर्वदलीय जो है वो सब एक जगह आकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बचाव कृति समिति बनाए और ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये 620 बेड का है। ये ना कि एक ओपीडी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी रहने वाला है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से ले जाने का जो षड्यंत्र वर्तमान सरकार कर रही है, ये तो गलत बात है। मैं यहाँ के जो पालक मंत्री है और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, उनको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो नागपुर में नहीं रहते? ये उत्तर नागपुर नागपुर का हिस्सा नहीं है क्या? वो ये इस नागपुर को महाराष्ट्र के बाहर में देखते हैं? नहीं ना। तो फिर यहाँ जब आप नागपुर के उप मुख्यमंत्री हो, यहाँ के आप पालक मंत्री हो, तो फिर यहाँ से कहीं और ले जाने का क्या आपका क्या सोच है? उत्तर नागपुर वैसे भी देखा जाए तो हर चीज़ से पिछड़ा माना जाता है। हमारे इसके पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ जो प्रोजेक्ट आया था, वो प्रोजेक्ट भी यहाँ से कई और लेके गए। तो जब 14 अप्रैल को कन्वेंस सेंटर का उद्घाटन करने उप मुख्यमंत्री साहब आए थे, तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि मैं इसका जल्दी से जल्दी इस काम का भूमि पूजन करूँगा। तो आज काफ़ी महीने हो गए और यहाँ से जो इंजीनियरिंग कॉलेज गया हुआ है, तो हमें इस चीज़ का डर है कि यह भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस उत्तर नागपुर के जनता को इसका फायदा होगा। उत्तर नागपुर से लगा हुआ कामटी है, कनान है, रामटेक है, सावनेर है, तुम्हारा इधर हमारे नागपुर जिले के बॉर्डर से एमपी के लोग लगे हुए हैं। तो इसका फायदा सभी को होगा। ये इस उत्तर नागपुर में सभी धर्म और पंथ के लोग रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, सभी भाई यहाँ रहते हैं। तो यह सब तो इन सभी को फायदा होगा। अभी यहाँ से जैसे मिहान लेके जाते हैं या भुट्टीबुरी लेके जाते हैं, तो यहाँ के पेशेंट को यदि वहाँ लेके जाना है तो आप सोचिए कि कितना यहाँ से ट्रैफिक को पार करते हुए जाना पड़ेगा और वो उस पेशेंट की हालत क्या होगी। तो इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी उत्तर नागपुर का अध्यक्ष जगदीश गजवी है, मैं साहब से विनती करता हूँ कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, आप नागपुर के जिला नागपुर के और इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भूमि पूजन कर हमें न्याय देने का काम कीजिए। यही बोलता हूँ, धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, ये जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अनुसंधान केंद्र का ये जो है आंदोलन, जो कि 26 नवंबर संविधान दिवस से आज चौथा दिन है इस आंदोलन का। तो देखते हैं आगामी अधिवेशन में इसका किस प्रकार से रण संग्राम होता है। जिस प्रकार से आंदोलकों ने बोला कि हम बाहर आंदोलन करेंगे, आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहब के नाम को बचाने के लिए आप अंदर ये मुद्दा उठाइए। तो देखते हैं आगामी अधिवेशन में इसका क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ सियासत में क्या असर पड़ता है और क्या ये जन आंदोलन फलश्रुत होगा, क्या यह स्थानांतरण रुकेगा। काफी सवालों के साथ देखते रहे INBCN न्यूज। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित त्वर के साथ मैं मनीष टेम्बरे, INBCN न्यूज के लिए नागपुर।